हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो जो भी कैंडिडेट एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ए है B3, बी ऑप्शन है सी, सी है B1 और डी है B12। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट B3 तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेलाग्रा रोग है जो B3 विटामिन की कमी से होता है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि B3 विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका साइंटिफिक नेम है नियासिन। B3 विटामिन का साइंटिफिक नेम है नियासिन। और इसके स्रोत की बात करें तो ये मिलता है दूध, अंडा और मांस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लैक टोंग डिजीज़ है जो, ये कुत्ते में होने वाला एक रोग है जिसमें क्या होता है, कुत्तों की जीभ काली पड़ जाती है। तो ये कुत्तों में किस विटामिन की कमी से होता है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट B3 तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कुत्तों में जो उनकी जीभ काली पड़ जाती है ये B3 विटामिन की कमी से होता है। और B3 विटामिन का साइंटिफिक नेम होता है नियासिन, नियासिन। और इसके स्रोत होते हैं दूध, अंडा, टमाटर और मांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बर्निंग फीट सिंड्रोम, पैरों व हाथों में जलन किस विटामिन के कारण होती है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी B5 तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पैरों और हाथों में जलन होती है विटामिन B5 की कमी से होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है, B5 का साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका साइंटिफिक नेम है पेंटोथीनिक, पेंटोथीनिक इसका साइंटिफिक नेम होता है। और इसके स्रोत की बात करें तो ये मांस और आलू में से मिलता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो हाथों और पैरों में जलन होती है वो विटामिन 5 की कमी से होती है। और इसका साइंटिफिक नेम होता है पेंटोथीनिक, और ये मांस और आलू में से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी विटामिन V2 तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किलोसिस रोग है जो विटामिन B2 की वजह से होता है। और विटामिन B2 का जो साइंटिफिक नेम है वो है राइबोफ्लोविन। फिर से रिपीट कर देता हूँ, किलोसिस रोग है जो विटामिन B2 की वजह से होता है और इसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लोविन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर B विटामिन B तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेरी बेरी रोग है जो विटामिन B की कमी से होता है। और विटामिन B का साइंटिफिक नेम है थायमिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में किडनी स्टोन किस विटामिन की कमी से होता है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर B विटामिन B6 तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। किडनी स्टोन विटामिन B6 की कमी से होता है। और विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम है पायरीडोक्सिन। फिर से रिपीट कर देता हूँ, पायरीडोक्सिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है।
चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से होता है रेतौंधी रोग। और क्वेश्चन बनता है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल और इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से लकवा रोग होता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी सेवन तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। लकवा रोग विटामिन बी सेवन की कमी से होता है। अब क्वेश्चन बनता है विटामिन बी सेवन का साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है बायोटिन। बायोटिन इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से सकरवी रोग होता है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सकरवी रोग है जो विटामिन सी की कमी से होता है और इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी स्रोत की बात करें तो ये आंवला नींबू संतरा इनमें पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में रिकेट्स रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफ्यूरॉल। कैल्सीफ्यूरॉल और इसकी स्रोत की बात करें तो ये सनलाइट मिल्क और एग में से प्राप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। इसमें क्या होता है, हमारी स्किन है ड्राई हो जाती है और ये होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफ्यूरॉल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेचिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी इलेवन तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। पेचिस रोग है जो विटामिन बी इलेवन की कमी से होता है और अब इसका साइंटिफिक नेम है जो वो आप हमें कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस विटामिन की कमी से पांडु रोग हो जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी ट्वेल्व तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और बी ट्वेल्व का साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। अब क्वेश्चन बनता है विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम होता है। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी विटामिन के तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता और विटामिन के का साइंटिफिक नेम होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डर्माटाइटिस एक त्वचा संबंधी रोग है और ये किस विटामिन के कारण होता है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं।
अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी विटामिन B6 तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। डर्माटाइटिस जो रोग है विटामिन B6 की कमी के कारण होता है और B6 का साइंटिफिक नेम है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी विटामिन B9 तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग है जो विटामिन B9 की कमी से होता है और इसका साइंटिफिक नेम होता है फोलिक एसिड। और इसके स्रोत की बात करें तो ये दलिया, मटर और मूंगफली में से प्राप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लग जाते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लग जाते हैं और विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और ये नींबू, संतरा, आंवला में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से जो आंसर करेक्ट है वो आप हमें कमेंट करेंगे कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेरी बेरी। पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी बेरी रोग हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।